बोलिए दादा खेड़ा जी महाराज की जय हो। गण्या ने तो आज नुबेरा पटा होगा, मारा गांव में दादा खेड़ा भी है। कहन लगी दादा जवानी में तो मत ना भूल गई, दादा जब मेरा सिक्का चल लिया करता ना, सिक्का चल लिया करता किसी के काबू में कौन आई। और दादा आज जब मेरा ऊपर यह भीड़ पड़ी आई है, जब मंत्रायो दरबार देखा है, दादा इब तू है मेरा सहारा है। किस तरह है दादा खेड़ा जी महाराज के चरणों में वंदना करती है। कवि ने क्या लिख दिया, क्या बता दिया वाला, सबने भीड़ पड़ी में देखे है, राज्य सलाह कोई नहीं, कब दोहरे नहीं जावे। कदे कोई जाकर पूछा है दादा के ज्ञान है, दादा ठीक से, दादा किसी चीज की जरूरत है नहीं। लेकिन जब भीड़ पड़ी आवे है, जब इन सारे देवी देवता ने याद करें, किस तरह वह बुढ़िया दादा खेड़ा जी महाराज के चरणों में पड़ जाती है, किस तरह विनती करते, किस तरह दुखड़ा रोती है। कवि ने क्या लिख दिया, क्या बता दिया वाला। बोलिए दादा खेड़ा जी महाराज की जय हो। हाँ भीड़ पड़ी में दिखा तेरा दरबार दादाजी, भीड़ पड़ी मैं दिखा तेरा दरबार दादाजी, भीड़ पड़ी मैं दिखा तेरा दरबार दादाजी। बहु बेटा ने बड़ी करते बार दादाजी, मैं बहु बेटा ने बड़ी करते बार दादाजी, भीड़ पड़ी मैं दिखा तेरा दरबार जमा भी याद नहीं करया, हर दादा इमरा क्यों कर याद आया। I'm
कदे भी कोई मंगने वाला भी बरना गा जा करता ने उसका भी धक्के मार दिया कर दी कदे भी किसी ने सोलह माथा नहीं बोली दादा सारिया ने मेरा माथा में तोड़ी रही के कह लगी जागरण में जाया कर दी लेकिन दादा मैं तो बिस्कुटा की मारी जाया कर दी लेकिन दादा वो एक एक बात खोल के समझा कर दा ताई छोड़ दे इस तेरी मेरी चुगली करनी ने उस हरकत के दर मैं एक दिन जान देनी है के कहन लगी तू भजन करया करताई तक छोड़ दे निंदा चुगली तू भजन करया करताई हरी लाठर कर जास परदार दादाजी परदार दादाजी
जी महाराज की जय हो। इबका तो खुड़का घना नहीं होया होगा, किस किस का वजन समझ में आया, एक बार दादा खिड़ा जाकर।